हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी मंचूरियन। देखने के बाद आपको ज़रूर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। बहुत यमी रेसिपी है दोस्तों, चलो बनाते हैं। मैंने इसमें लिया है एक पूरा फ्लावर, इसको अच्छे से उबालने के लिए रख दिया है नमक के पानी में, और फिर इसको मैंने ड्रेन कर दिया था 5 मिनट बाद। अब हम चलते हैं बैटर की तरफ। 1 कप मैंने इसमें लिया है कॉर्नफ्लावर, 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर, 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट, और इसको अच्छे से इसको पानी के साथ मिक्स कर लेंगे, एक स्मूथ कंसिस्टेंसी बना लेंगे। और मैंने पैन को गरम करने के लिए रख दिया है, और आप देख सकते हैं बैटर बन चुका है। और इसमें सारे फ्लोरेट्स को ऐड कर देंगे अच्छे से और कोट कर देंगे अच्छे से। अब सारा मेरा तेल जो है वो गरम हो चुका है, और सारे फ्लोरेट्स को आप अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। अब हम चलते हैं ग्रेवी की तरफ। इसमें मैंने 1 ओनियन, 2-3 चिलीज और 2 कैप्सिकम लिए हैं, और थोड़ा सा गार्लिक लिया है, थोड़ा सा जिंजर। अब हम चलते हैं पैन की तरफ। थोड़ा तेल में मैंने जीरा, करी लीव्स और जिंजर, गार्लिक और मैंने प्याज ऐड कर दिए इस टाइम। और थोड़ी सी मैंने टर्मरिक डाली है, 1/4 टेबल स्पून चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, और 2 टेबल स्पून मैंने केचप का डाला है, और 1 टेबल स्पून डाला है मैंने सोया सॉस, और इस टाइम मैंने ऐड कर दी है कैप्सिकम, और 1 टेबल स्पून मैंने डाल दी है विनेगर। अब हम कॉर्नफ्लावर का छोटा सा बैटर बनाएंगे। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, और 4 टेबल स्पून मैंने लिया है वाटर। उसको अच्छे से मिला के उसको कॉर्नफ्लावर मिक्सचर को ऐड कर देंगे ग्रेवी में, और फिर आप फ्राइड फ्लोरेट्स जो होते हैं ना दोस्तों, वो ऐड कर देंगे। बहुत ही यमी लग रहा था दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और लीव्स, कोरिएंडर लीव्स के साथ गार्निश कीजिएगा। एंड बाय।